नमस्कार मध्यान खबर को स्वागत प्रथमे हेडलाइंस ओडिशा ऐतिहासिक मुहूर्त ओडिशा इतिहास हिंदी अनुवाद उन्मोचन कले प्रधानमंत्री भर्तृहरि कहिले हिंदी अनुवाद प्रेरित करथिले केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान अपराह्न 4:00 वीडियो वार्ता देवे मुख्यमंत्री राज्य में दैनिक संक्रमण को नहीं करेंगे आलोचना कोविड गाइडलाइन मानवा को देपारंती परामर्श बीएमसी हॉस्टल छाड़ नोटिस को नहीं बढ़ुच्च असंतोष राजरास्ता को ओल्हैले उत्कल विश्वविद्यालय छात्र छात्री शिक्षानुष्ठान बंद करने दावी में मुख्य फाटक में बसिले हॉस्टल अंतवासी मालकानगिरि दुष्कर्म पीड़िता आत्महत्या मामलें नुआ ट्विस्ट सामनाकु आसिला चिकित्सा अवहेलार सांघातिक चित्र उचित समय डाक्तर चिकित्सा करिनथिबा अभियोग अर्गस हाथ में एक्सक्लूसिव दस्तावेज बढ़ुच्छि ग्राफ बढ़ुच्छि भय दैनिक संक्रमण 1282 कोरोना पॉजिटिव चिन्हट क्वारंटीन 755 लोकल केस 527 बलांगीर राजेन्द्र विश्वविद्यालय छात्रों जंगल में माड़ मरा घटना वीडियो वायरल पर निज आड़ मामला रुजु कर 6 जन को अटक रखी पुलिस पूर्व शत्रुता को नहीं छात्रों होता मणातक आक्रमण आगामी 4 दिन कालबैशाखी वर्षा विभिन्न स्थान में खसला पारद टिटलागढ़ सबुठ उत्तप्त सहर दिनर सर्वोच्च तापमात्रा 42 डिग्री रेकर्ड शेष आईपीएल महासमर चेन्नई में उद्घाटन मैच बैंगलोर को भेट मुंबई कोरोना कटक बिना दर्शक ने हो खेल एथर संपूर्ण खबर उत्कल केसरी को सम्मान ओडिशा इतिहास हिंदी अनुवाद को उन्मोचन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही समय प्रधानमंत्री कहते भर्तृहरि महताब को जड़े उत्तम सांसद व्यापक विविधतार समृद्ध ओडिशार इतिहास पुस्तक हिंदी अनुवाद भर्तृहरि को प्रधानमंत्री अनुवादक शंकरलाल पुरोहित धन्यवाद आजादी अमृत महोत्सव काल में पुस्तक उन्मोचन कलेज छाड़ स्वाधीनता आंदोलन में सामिल होते हरेकृष्ण महताब स्वाधीनता निजर जीवन को समर्पित करते जातिवाद विलोप प्रयास करते हरेकृष्ण आधुनिक ओडिशा मूलदुआ प्रतिष्ठा करते महताब से हीपरी केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान हरेकृष्ण महताब का अवदान को मन पकड़ते ओडिशार इतिहास 2000 वर्ष पुराणा प्रधानमंत्री को धन्यवाद केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान आजादी के बाद उन्होंने ओडिशा के मुख्यमंत्री के रूप में बड़े बड़े फैसले लिए ओडिशा के भविष्य को घड़ने के लिए अनेक प्रयास किए शहरों का आधुनिकीकरण पोर्ट का आधुनिकीकरण स्टील प्लांट ऐसे कितने ही कार्यों में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही साथियों सत्ता में पहुंचकर भी वो हमेशा पहले अपने आप को एक स्वाधीनता सेनानी ही मानते थे और वो जीवन पर्यंत स्वाधीनता सेनानी बने रहे ये बात आज के जनप्रतिनिधियों को हैरत में डाल सकती है कि जिस पार्टी से वो मुख्यमंत्री बने थे आपातकाल में उसी पार्टी का विरोध करते हुए वो जेल गए थे हम इसीलिए खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं मैं आभार प्रकट करूंगा महता फाउंडेशन को विशेष करके भर्तृहरि जी को और शंकरलाल पुरोहित जी को उन्होंने ये कृति को हिंदी में रूपांतरित करने का मौका दिया लेकिन मैं फिर प्रधानमंत्री जी के पास उड़ीसा की ओर से आभार प्रकट करूंगा कि 73 साल के बाद ऐसे प्रधानमंत्री जी ने उड़ीसा की कई सारे प्रथम कीर्ति स्थापित किए हैं शायद पहला देश की पिछले दिनों में जिन्होंने भी जिम्मेवारी संभाली देश की सबने उड़ीसा की चिंता किया होगा किया भी है लेकिन मैं खुले दिल से उड़ीसा की ओर ये कहना चाहूंगा आजादी के बाद
शायद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहला प्रधानमंत्री होंगे जो उड़ीसा के बारे में इतना चिंता। आज राज्यवासियों उद्देश्य से उद्बोधन देते मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। राज्य में दैनिक संक्रमण चलित बर्ष रेकर्ड कर दिनक 800 रु संख्या 1200 डेगला। संक्रमण उपरमुहा होता बेले अपराह चारिटे वीडियो बार्ता देते नवीन। वर्धित संक्रमण को दृष्टि रखी राज्यवासियों उद्देश्य से किसी गुरुत्वपूर्ण सूचना देपारती, विशेषकर कोविड गाइडलाइन मानवा और टीकाकरण उपर गुरुत्व देपारती मुख्यमंत्री। से हीपरी एवं खोर्धा कटक पुरी जिले में संक्रमण बढ़ुची। एक तीन जिले में कटका कड़ाकड़ी करने किसी सूचना देपारती मुख्यमंत्री। पूर्व कोरोना स्थितर समीक्षा कर टेस्टिंग ट्रेसींग एनफोर्समेंट और ट्रिटमेंट उपर गुरुत्वारोप करते मुख्यमंत्री। तेज संपर्कित अधिक सूचना पाई आम सहित फोनलाइन में जोड़ी होती आम प्रतिनिधि दिव्यज्योति महांति। दिव्य, जेहेतु आज मुख्यमंत्री ओडिशावासी को संबोधित करेंगे, क्यों संपर्क में से ओडिशावासी सहित कथा हे? देखिए निश्चित भाव में ओडिशा रे स्थिति धीरे धीरे बिगुड़ी तथा सरकार गोटे प्रकार स्वीकार कर बड़ कथा हूँ। मुख्यमंत्री जो आज अपराह राज्यवास अभिभाषण रखे तो समस्त नजर रही मुख्यमंत्री कौन करेंगे आम विशेष भाव में तीन चार दिग उपरे आलोचना करवा। प्रथम दिग्टी आप देखु राज्य जेहेतु गोटे प्रकार 10 जिले में लॉकडाउन सरी नाइट कर्फ्यू जारी होती आप देखिए पश्चिम ओडिशा 7 और दक्षिण ओडिशा 3 जिला रही कि सहरांचल आप कहते कटक पुरी और खोर्धा तो भुवनेश्वर अंचल यही तीन सहरांचल वर्तमान व्यापक भाव में संख्या बढ़ुची। से दृष्टिकोण किसी मुख्यमंत्री चिंता करते किसी घोषणा करते जो सहरांचल और विभिन्न ग्रामांचल लोक भितर कोविड नियम को अनुपालन कर देखा जाने कोविड नियम को उल्लंघन कर दिगरे किसी सचेतन मुख्यमंत्री करती किसी कड़ा निर्देश दे पारती प्रशासन को जे आप पूरा कठोर कठोर कार्यक्रम निफल लोके मानवे जो कोविड गाइडलाइन को टीकाकरण को नहीं लोक सचेतन कराइए लोक मैंने अनेक लोक आग्रह प्रकाश करना टीकाकरण किभली लोक मैंने शीघ्र टीका ने मुख्यमंत्री आज सचेतन करूचना मिली कि सबुठ बड़ कथा हूँ कटक पुरी और भुवनेश्वर पर आज किसी ना कि घोषणा हो पाए जहां मुख्यमंत्री कार्यालय पक्षर सूचना मिली कारण गतकाली मुख्यमंत्री मान सहित प्रधानमंत्री बैठक करते से समय प्रधानमंत्री कहते लॉकडाउन सटडाउन नुहे नाइट कर्फ्यू अधिक प्रभाव पकाऊ अधिक गोटे प्रकार जो कोरोना मुकाबले साहय कर दृष्टिकोण जहां सूचना मिली सहित तीन जिला विशेष तीन सहरांचल नाइट कर्फ्यू रोषणा करती मुख्यमंत्री ता सहित आउ गोटे बड़ कथा देखिए ये जो संक्रमण बढ़ुची संक्रमण रोकवाई हूं तो किसी कमिटी गठन करें सरकारी स्तर में जहां मुख्यमंत्री आज घोषणा करेंगे पूर्व जमी जो मध्यम आप जानते सुप्रीमेंट कमिटी हो किंवा मिनिस्ट्रियल कमिटी हो सब कमिटी जो गठन होता कोरोना मुकाबला से कमिटी को निष्क्रिय कर दिखाई बर्तमान से कमिटी को आउ थे सक्रिय करने मुख्यमंत्री हूं तो किसी घोषणा करती अनेक दिग्वे बर्तमान चर्चा आलोचना होती अपराह चारिटा को नजर रही है समस्त अपराह चारिटा को समस्त अपेय रही है मुख्यमंत्री से समय कौन सचेतन बार्ता देखते कौन कौन घोषणा करते बड़ घोषणा कौन रही जनसाधारण समस्तंकर फोकस जेहेतु वर्तमान कोरोना रो संक्रमितों संख्या दिनक दिन वृद्धि पाउछि कोटिना कोटि मुख्यमंत्री कोरोना संपर्कित किछि आलोचना करिवे एवं ओडिसावासी को संबोधित करिवे बोली जहां वर्तमान आशा करा जाउछि किंतु समस्तंकर नजर रहिब अपराह चारिटा रे मुख्यमंत्री देश जो राज्यवासी को कोन संबोधित करिवे। नुआ स्ट्रेन को नहीं परिवार कल्याण निर्देशक विजय पाणिग्राही सूचना यह रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ावा सह गुरुतर प्रभाव कमाइब टीका नहीं लोक भी सचेतन हो कोविड नियम मानवा दरकार। टिटलागड़ जड़े व्यक्ति दुईटी डोज टीका नेबापर मृत्यु होवार खबर आसी से आहरी कहते टीका अभाव जो गत काली दुईट जिले में टीकाकरण बंद रही सोनपुर और कोरापुटे टीकाकरण बंद रही एवं कोविशिल्ड 3.2 लाख टीका और कोवैक्सीन 1 लाख रही गत काली 872 सेंटर में 1,32,000 टीकाकरण आज सुधा मोट 39,84,878 टीकाकरण जी टीका महजूद रही आज सब टीकाकरण केन्द्र में टीका दिजिव आशा रही खूब शीघ्र टीका आसी पहुंच आमर जी टीका आम पाखे गच्छित अच्छी अनुसार टीकाकरण कार्यक्रम चालू रही
गत काली आमर 802 संख्या होता जो थी कि आम 132,872 जन व्यक्ति को टीकाकरण कलु। सो कालीर टीकाकरण को मिसे समुदाय आज पर्यंत आम 39,84,878 जन व्यक्ति टीका बर्तमान आम पाखे टीका कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन उभय टीका आम पाखे अच्छी। कोविशील्ड टीका 3.2 लाख्स अच्छी, कोवैक्सीन टीका आम पाखे 1 लाख अच्छी। सीबीसी कार्यक्षम आम आज हो पार आम जी टार्गेट रखी आम भाई आज निश्चित भाव से अचीव हम। राज्य में हजारे टपिला दैनिक संक्रमण, आज 1282 कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होती। क्वारंटीन 755 लोकाल केस 527 चिन्हट होती। सुंदरगढ़ सर्वाधिक 224, खोर्धार 192 संक्रमित चिन्हट होती। सेपरी कलाहांडी 108 संक्रमित चिन्हट होती। यासह पॉजिटिव संख्या 3,46,808 को वृद्धि पाई। राज्य में एक्टिव केस 5,941 पहुंची। प्रभु लिंगराज रुकुणा रथ को नहीं बीएमसी गाइडलाइन जारी होई। बिदा भक्त एथर हम रुकुणा रथयात्रा, केवल सेवायतों उपस्थित हे रथयात्रा। 48 घंटा पूर्व सेवायतों आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव आसीथिबा सेवायत ही जोगदे पारे। सामाजिक दूरता और मास्क पिंधिबा बाध्यतामूलक। तबे चलित वर्ष रुकुणा रथयात्रा को नहीं बीएमसी गाइडलाइन जारी करिछि। बिना भक्त हे रुकुणा रथयात्रा, केवल सेवायत से ही समय उपस्थित रहिबे। 48 घंटा पूर्व सेमानंकर कोविड टेस्ट करा जिबो एवं जो माने नेगेटिव आसीथिबे सेमाने सेही सेवायत माने रुकुणा रथयात्रा रे जोग दे पारिबे। सामाजिक दूरता एवं मास्क पिंधिबा ए सब को बाध्यतामूलक करा जाइछि। तबे जदि देखिबा गत वर्ष रुकुणा रथ कोठी ना कोठी बंद रहितिला, जहाँ को नहीं अनेक समय भक्तों भावावेग भक्तों भावावेग को आघात पहुंचीला, जहाँ को नहीं अनेक समय प्रशासन उपर प्रश्न उठाई अंगुली निर्देश करते जो मैंने भक्त रही। किंतु चलित बर्ष तार अंत घटी। प्रभु लिंगराज रुकुणा रथ को वर्तमान अनुमति मिली और गाइडलाइन रे बीएमसी गाइडलाइन जारी करी। जो गाइडलाइन मध्यम रुकुणा रथयात्रा हो बिना भक्त चलित थर रुकुणा रथयात्रा हो, केवल सेवायतों उपस्थित रथयात्रा करा जिबो। 48 घंटा पूर्व सेवायत मानक आरटीपीसीआर टेस्ट हो। तबे संपर्क में अधिक सूचना सहित फोन लाइन में जोड़ी होती आम प्रतिनिधि संतोष जेना। संतोष, वर्तमान रुकुणा रथ को लेकिन बीएमसी गाइडलाइन जारी होउची, कोटि ना कोटि जदि देखिबा गत वर्ष रुकुणा रथ बंद रहितला, किंतु चलित वर्ष से आशंका दूर होइची रुकुणा रथ हेबो, आउ कोन सब गाइडलाइन जारी होइची? देखंतु निसाबे चिन्मयी, जो कथा लोकंक मनरे एवं महाप्रभुंकर जो भक्तमाने अछन्ति द्वंद्वरे थिले जे प्रकृते रुकुणा रथ हबो कि नाही, काहेकि ना वर्ष वर्षर परंपरा जेतेबेले बाधा प्राप्त होउछि निहाति भाबरे भक्तंक मनरे मध्ये संकोच भावना आसुछि। सरकारंक प्रति मध्ये भितर स्नेहभाव आसुछि एवं महाप्रभुंकर नीतिकांती ता सहित जहाँ भी विधि व्यवस्था अछि ताकु सफल करबा पई गोटे विकल्प व्यवस्था आपणया पई समस्त सरकारंक अनुरोध करथिले। ये घटना जेतेबेले रुकुणा रथ समय किभळी भाबरे हेई पारिबो कि नाही, एकथाकु नै चर्चा आलोचना जोर धरला। तो जो सेवायत मान रही सरकार को एक प्रस्ताव देले जे COVID-19 रो गाइडलाइन मानवा सहित कि भाव में जो सेवायत माने आसीबे जो माने या सहित जो माने नीतिकांति रे शामिल हेबे सेमाने ओ तांको परिवार लोकन को कि भाव में कोरोना टेस्ट करा जिवो एवं पुलिस आउ सेवायत परिवार भितर रथटणा संभव हो पार कि नहीं, एमती अनेक प्रस्ताव वर्तमान समय से पाखु मगागला एवं बीएमसी ता सहित अन्य मानक सहित वर्तमान मध्ये आलोचना करागला कलागला परे सरकार को एक प्रस्ताव पठागला। सरकार को प्रस्ताव पठा परे सरकार या उपरे निष्पत्ति नेबे कि नहीं मतो ए निष्पत्ति सरकार को उपरे छाड़ दिया गला। सबु परे भी नीतिकांती महाप्रभु को बंद हबो नहीं बोली वर्तमान समय सरकार को पक्ष स्पष्टीकरण आसी। कोविड गाइडलाइन पालिबा सहित अन्यान्य जो विकल्प व्यवस्था रथटणा पाई अपना जाउची, तो सही विकल्प व्यवस्था को अपना जाई महाप्रभु लिंगराज को नीतिकांती सफल हो बोली वर्तमान समय सूचना मिली। चिन्मय, वर्तमान जो गाइडलाइन जारी होला सेथरे बिना भक्त रे एथर रुकुणा रथयात्रा हेबो, कोठी ना कोठी भक्त मानक मध्यरे मध्य टिके उणा मनरे टिके उणा आसीथिबो, कारण आपण जानिछंती जेतले रुकुणा रथयात्रा हुए केते संख्यक भक्त सेटारे रुंड हुवंती भिड़ हुए, भक्त माने भगवान को सहित मिलन हुए, किंतु वर्तमान चलित वर्ष से सब देखिबा को मिलिबनी।
ଦେଖନ୍ତୁ, ବିନା ଭକ୍ତରେ ଯେହେତୁ ରଥଯାତ୍ରା ହବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଦୂରତା ମଧ୍ୟ ବଢିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପରେ ବି ଏ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣାଯିବ ସତ, ଯେହେତୁ କୋରୋନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାର କାୟା ମେଲେଇଛି ଏବଂ ଏ କୋରୋନା ଭିତରେ ବି ନୀତିକାନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ସଫଳ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହବ, ଏଥିପାଇଁ ବିନା ଭକ୍ତରେ ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ସମାପନ ହେଉଛି, ଟିଭିରେ ରହିକି ଦେଖିବା ଏବଂ ଦୂରରେ ରହିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଏ ପ୍ରକାର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ସମାନ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଥର ରୁକ୍ଣା ରଥ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା, ଏଥର ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତିକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ନ କରି କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଯିବ ଏକଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେବାୟତ ପରିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ସେଇଦିନ ସେମାନଙ୍କର ରହିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ସମାପନ, ଯେଉଁମାନେ ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ରଥ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର କୋରୋନା ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବା ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେଉଁଦିନ ପାଳି ଥିବ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ପରିବାରର 40 ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସନ୍ତୋଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଏମ୍ସି ର ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଭକ୍ତ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସହଯୋଗ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି ଏବଂ କିଭଳି ସୁରୁଖୁରୁରେ ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରା ହେବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ହେବ, ଏହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ସୋପିଆନରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୁଳି ବିନିମୟ, ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଟଳିଲେ 3 ଆତଙ୍କୀ। ଏକ ମସଜିଦରେ ଏହି ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଛି, ଆଉ 2 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲୁଚି ରହିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ବି ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି, ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ନିହତ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ପରିଚୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି। ସୋପିଆନର ବାବା ମହଲାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଖବର ମିଳିଥିଲା, ଏହାପରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ। ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରିବା ସହ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ, ପାଲଟା ଜବାବ ଦେଇଥିଲା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ। ସମସ୍ତ ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।